मोटर बाइक मछली चोर। विराजपुर नाम के गांव में बद्री नाम का चोर रहता था। वो दूसरे चोरों की तरह नहीं था, उसकी एक वैरायटी थी। वो घरों में जाकर सिर्फ खाने की चीजें चुराता था। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन उसका दोस्त दिनेश वहां आया। क्यों यार, आजकल हमारे गांव आना बंद कर दिया तुमने? तुझे देखे हुए कई दिन बीत गए। अरे कहां यार, हर रोज पेट भरने में ही वक्त निकल जाता है। ऊपर से हमारे गांव में लोग जरा ढीठ हो गए हैं। ये खबर मिलते ही कि मैं चुराने आऊंगा, वो खाने की चीजों को अलमारी में बंद कर देते हैं और सोने और गहने सब बाहर रख के चले जाते हैं। अरे सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है यार कि आजकल उन्होंने नॉनवेज बनाना छोड़ दिया है। अरे यार, अगर गहने और सोना सब बाहर रखा है तो उन्हें चुराएगा तो बहुत पैसे मिलेंगे ना। अरे यार, वो सब जानते हैं कि मैं सिर्फ खाने की चीजें चुराता हूँ, गहने नहीं। इसीलिए जब भी मिलते हैं बड़े भोले बनकर कैसे हो बद्री कहकर पूछते हैं यार। तो फिर ऐसे गांव में रहकर क्या करोगे जो सब्जी छुपाते हो? चलो मेरे गांव चलते हैं, वहाँ लोग दिल खोल कर नॉनवेज बनाते हैं। यहाँ तक कि भीखमंगों को भी वो नॉनवेज ही खिलाते हैं। अरे भीख हमारे घर में 7 पुश्तों में कभी किसी ने नहीं मांगी, हम सब सिर्फ चुराते हैं। उसके बाद बद्री और दिनेश की बाइक पर उसके गांव गए। अब दिनेश बद्री को लेकर मछली जहां बेच रहे थे वहां गया। वहां नरेश नाम का व्यक्ति मछली बेच रहा था। नरेश भैया, ये मेरा दोस्त है, गांव से आया है, एक बढ़िया सा मछली देना। कौन है ये बद्री चोर? तेरा दोस्त है? अरे इस चोर के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। वो सब बातें रहने दो, पहले मुझे तुम 10,000 रुपए दो, तब मैं तुम्हें ये मछली दूंगा। क्या इस 1,000 रुपए की मछली के लिए तुम 10,000 मांग रहे हो? अरे सूरत से तो तुम मछली खरीदने वाले लगते नहीं। और ये ठहरा चोर, अरे तुम दोनों की बस की बात नहीं है खरीदने की, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना खूब पिटोगे तुम दोनों। अरे ठीक कहा भैया, ये कमीना मछली खरीदने वाला नहीं है। ये सब तो बात रहने दो भैया, शहर में यही मछली 10,000 रुपए की बिकती है। अरे बद्री, तुम चोर हो लेकिन तुमने सही बात कही है, तुम मुझे अच्छे लगे। तभी वहाँ 2 लोग पहुँचे, उन्होंने एक बड़ी मछली को लाकर नरेश को सौंपा। क्यों, आ गया मजा? अब चलो चलते हैं। अरे जाएंगे कहाँ यार, उस बड़ी मछली को तो देखो, मुंह में पानी आ रहा है, उसे खाने का जी कर रहा है। अब उस मछली को लेकर ही घर जाएंगे। अरे भाई मेरे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और नरेश उस मछली को 1,00,000 रुपए में बेचेगा, फिर कभी देख लेंगे, चलो घर चलते हैं। यार उसने मुझे चोर कह के मेरा अपमान किया है, अब जब तक उस मछली को उससे नहीं चुराऊंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे कमाल कर दिया भैया, क्या मछली है। अरे पानी में इसने खूब चर्बी जमा लिया है और मजा आ रहा है देख के। अगर ये मछली जिंदा होती तो हमारे गांव के सरपंच को मैं 10,00,000 रुपए में बेचता, पता है? बेचारी गरीब मछली मरकर तुम्हारा नुकसान कर गई। ये तुम क्या कह रहे हो, वो मुखिया इसे 10,00,000 रुपए में खरीदेगा? सच कहता हूँ भैया, मैं झूठ नहीं बोलता, हाँ जब तब मैं चोरी कर लेता हूँ बस। अरे भैया इसकी तो अभी जान बची है, इसके मरने से पहले अगर मैंने इसे मुखिया को बेच दिया तो हमें 10,00,000 रुपए मिलेंगे। अरे भैया तो इसे ले जाओ ना, जल्दी ले जाओ, नहीं तो 10,00,000 रुपए का घाटा हो जाएगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, उन्हें देकर पैसे ले आओ। प्लीज मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा पेट्रोल के लिए। बद्री ने उस मछली को अपने बाइक पर रखा और उसे लेकर चला गया। बद्री को उस मछली को लेकर जाते हुए देखकर लोग हैरान रह गए। बाद में दिनेश भी अपने घर चला गया।
तब बद्री और दिनेश उस मछली को साफ करके पकाने लगे। यूं काफी समय बीतने के बाद भी जब बद्री नहीं लौटा तो नरेश दिनेश के घर पहुंचा। दिनेश के घर आकर, अरे वो 10 लाख रुपए कहाँ हैं? क्या कहते हो भैया, उल्टा तुम्हें मुझे 15,000 रुपए देने होंगे। रास्ते में जब मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि ये मछली मर जाएगी, तब मैं उसे पेट्स क्लिनिक ले गया और इसे ऑक्सीजन लगाया और फिर मैं उसे जमींदार के घर ले गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनके सामने ही इस मछली की मौत हो गई। ये देख कर उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। अब ये सोच कर कि तुम मुझे 15,000 रुपए देने से रहे, इसे काट कर हम पका कर खा रहे हैं भैया। आओ भैया तुम भी बैठो, जरा इसका टेस्ट चखो। अरे मरी हुई मछली को ले गए और झूठ बोलते हो कि तुमने ऑक्सीजन लगाया। तुम मुझसे मछली चुराने वाले चोर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तू कर क्या लेगा? अरे ज्यादा से ज्यादा ये पकी हुई मछली घर ले जाएगा। याद रखना, किसी चोर के मुंह पर उसे चोर कहोगे तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया, तुम्हारे मछली को खा गया। दोबारा मेरे बारे में किसी को बताया तो इस बार मछली नहीं पूरा दुकान खाली करा दूंगा, याद रखना। अरे तुम्हारा सत्यानाश हो कमीनो, कहकर उन्हें गाली देते हुए वो वहां से चला गया। कंजूस पापा। एक बार अमर नाम का व्यक्ति लगेज लेकर गांव में अपने बहन के घर गया। वहां उसकी दीदी ने उसे देखा। भैया तुम्हें देखे हुए कितने साल हो गए, तुम कितने बड़े हो गए हो, माँ और बाबूजी कैसे हैं? मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आ पाई। बुरा ना माना भैया, तुम्हारे जीजाजी इतने कंजूस है कि ये कहकर कि शादी में जाने से पैसे खर्च होंगे हमें जाने नहीं दिया। तब अमर, अरे रहने दो दीदी, जीजाजी को दोष देकर तुम बचना चाहती हो, जानती हो माँ और बाबूजी तुमसे बहुत नाराज हैं। तब दीदी, ठीक है भैया तुम यकीन नहीं करते हो ना, खुद ही देख लो वो कितने कंजूस हैं। यूं कह रही थी कि तभी उसके पति, बेटा और बेटी तीनों अखबार में लिपटे हुए बाहर आए। उन तीनों को देखकर अमर दंग रह गया। उसके जीजाजी, क्यों भाई अमर कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? अमर, ये क्या जीजाजी, आप और बच्चों ने अपने आप को अखबारों में लपेट रखा है। तब उसके जीजाजी, क्या बात कर रहे हो अमर, अब कपड़े पहनेंगे तो कपड़े मैले हो जाएंगे, फिर उन्हें धोने के लिए पानी खर्च होगा, साबुन लगेगा, ये सब बेकार है ना, इसीलिए जब तब यूं अखबारों में लपेट लेते हैं अपने आप को, समझे? तुम रुको, हम जाकर सब्जी लाते हैं, जब खाना बन जाए तो खाते खाते बात करेंगे, ठीक है? कहकर बच्चों के साथ आगे गया। दोनों बच्चे घर के अंदर ही दीवार के पास छिप गए। अमर के जीजाजी ने जाकर एक सब्जी के ठेले वाले को रोका। सब्जी वाले के साथ तोल मोल करने के बहाने सब्जियों को दीवार के ऊपर से फेंकने लगा। यहाँ दोनों बच्चे उन सब्जियों को पकड़कर टोकरी में डालने लगे। ये देखकर अमर परेशान हो गया। सब्जी वाला, क्या बात कर रहे हो बाबूजी, इतने कम दाम में कौन सब्जी बेचता है? दत्त, इन सब्जियों को क्यों फेंक रहे हो, ये कोई सड़े हुए सब्जी नहीं है, बस उसमें थोड़े से दाग हैं। तब जीजाजी, क्यों भाई तुम समझते हो कि सड़े हुए सब्जी और दाग वाले सब्जी में अंतर नहीं जानता, अरे जाओ जाओ बड़े चले आए सब्जी बेचने। यूं कहते ही सब्जी वाला गुस्से में वहां से चला गया। बाद में अपने पत्नी को वो सारे सब्जी देते हुए, सुनो इन सब्जियों को ध्यान से इस्तेमाल करना, इन सब्जियों को कम से कम 2 महीने इस्तेमाल करने होंगे, तली हुई सब्जियां ना बनाओ, इनके दाल बनाओ थोड़े से टुकड़े डालकर, समझी? भाई आज साले साहब आए हैं उनके लिए चिकन बनाते हैं। यूं कहते ही उसकी बेटी, डैडी डैडी मुझे फिश करी चाहिए। तब बेटा, डैडी मुझे मटन फ्राई चाहिए। तब जीजाजी, ठीक है बेटा आज तुम्हारे मामा आए हैं तो दावत होगी। अरे भगवान तुम यूं खड़े खड़े देख क्या रही हो, जाओ खाने की तैयारी करो। दोपहर को खाने का समय हुआ। अमर ने देखा कि उसके जीजा और बच्चे बैठे थे, उनके थाली में रोटियां तैयार थीं। अमर भी आकर उनके पास बैठ गया। अमर, अरे वाह रोटियां एकदम गर्म हैं, दीदी जरा सब्जियां तो लाओ बहुत भूख लगी है। तब उसके जीजाजी, अरे सब्जियां लाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे सामने ही तो है, जरा वहाँ देखो। अमर ने सामने देखा, वहाँ उसे एक बकरी
मुर्गी और मछली रस्सी से बंधी हुई दिखाई दी। उसके जीजाजी और बच्चे उन तीनों को देख देख कर रोटियां चबा चबा कर खाने लगे। जीजाजी, अरे वाह, चिकन करी तो खूब बढ़िया बना है। क्यों बच्चो? बेटे, तुम्हारा फिश करी कैसे बनी है? तब बच्ची, डैडी फिश करी बहुत बढ़िया है। भैया, मैं तुम्हारा थोड़ा सा मटन करी खा लूं? तब लड़का, खाओ खाओ, ये भी कोई पूछने की बात है, कहकर तीनों रोटी चबाने लगे। तब उसके जीजाजी अमर से, क्यों भाई अमर, तुम यूं चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारे थाली में रोटियां हैं। अब तुम इन तीनों को देखकर एक कल्पना करो कि तुम वो सब्जी खा रहे हो, बस खाने का मजा आ जाएगा। क्यों, कैसा है मेरा आइडिया? तब अमर, अरे कंजूस कमीने, जब दीदी कह रही थी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच है हा? मुर्गी को देखकर सूखी रोटी खाने को कहते हो कमीने? एक तो तुम गलत कर रहे हो, ऊपर से ये बच्चों को भी सिखा रहे हो। अरे कमीने, तुमने फिश, मटन और चिकन खरीदा तो है ना, तो उसे खराब करने के बजाय पकाकर खा सकते हो ना? तब उसके जीजाजी, अरे अमर, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, है? मैं उसे वेस्ट क्यों करूंगा भैया? जब हम खाना खा चुके होंगे तो मैं पड़ोसी को 10 रुपए कम दाम में बेच दूंगा। बस ये सुनकर अमर गश खाकर गिर गया।